आना चाहिए था, लेकिन हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि चीजें, ये दंगे बढ़ते बढ़ते एरियाज डिफरेंट होने लगे, लेकिन वो चीज जो है वो चलती चली जा रही है। आपकी भी एक क्लिप मैंने देखी थी, आपके सोशल मीडिया पे आपने बात की थी, तो क्या वाकई में ऐसा है कि इलेक्शंस की वजह से मोदी जी जो है वो थोड़ा हाथ हौला रख रहे हैं? आरजू जी, मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन ओनली। देखिए, आपने एक ना ट्रेंड देखा होगा, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, जो आपकी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हमेशा ये काम करती है। जैसे फ्रांस में देखा हमने, तो उन्होंने शुरू किया, देखा कि हल्का सा गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांगली रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी। तो ये पहले टेस्ट करते हैं कि कितना हमारे ऊपर एट्रोसिटीज होगी। अभी जैसे मुहर्रम का टाइम था, दिल्ली में इन्होंने पत्थरबाजी करने की कोशिश करी, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इमीडिएटली डंडा उठाया और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया सड़क के ऊपर ही, और ये भाग गए। उसके बाद कुछ भी हुआ नहीं। तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। दिस वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, कि ये एक कम्युनिटी है जिसको बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट करो तभी ये ठीक होंगे। थोड़ा सा मोदी जी का एक स्टाइल है काम करने का, वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, कि मैं सबके लिए काम करता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्ट्रांग इनिशियली, लेकिन अगर ये हद को पार करेंगे तो वो किसी भी हद को पार कर देंगे। उसके बाद ये आपको भी मालूम है, हमने भी पिछले 9 साल में देख लिया, और आप तो 2 बार देख ही चुके हैं पाकिस्तान में रहते हुए। सो एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, ही गोज सॉफ्ट इनिशियली, वो पहले पूरी सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद उसको स्ट्रांगली अप्रोच करते हैं। अभी आप देखिए, अभी आपने बोला जैसे कि वहां पर रिलीजन को देखकर लोगों को साइड पे किया जाता है, उनको मारा जाता है वहां पर, या वो उन्हें तंग किया जाता है, और बेस्ड ऑन रिलीजन। देखिए, ये चीज हमने पहले भी देखी है हिंदुस्तान में। मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब के अंदर जब ये खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था 80s में, तब हमने देखा इस चीज को, कुछ चीजों को यहाँ पर, कि वो देखते थे हिंदू है मारो इसको, अगर सिख है तो आराम से निकल जाओ। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली उन्हें अप्रोच किया, तो आज देखिए कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन कंट्रोल। कश्मीर के अंदर भी ये लोग ये कुछ करते हैं, दैट मीन्स कि जो पीछे से इनको ट्रेनिंग मिल रही है या जो डायरेक्शंस मिल रही है, एक ही पर्टिकुलर इनका बॉस है कहीं बैठा हुआ है जो हमारे बाजू में है वेस्टर्न साइड पर, वो उनका मोडस ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन करने का स्टाइल सेम है, कि भी रिलीजन बेस के ऊपर प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाए, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। बट इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, हमें पता लग गया इस चीज को, कि इन्हें मार मार के सीधा किया जाएगा तो ये सीधे होंगे। एंड एंड आरजू जी, देखिए जो स्टेट है, जो कंट्री होती है, वो उसके पास सारी पावर्स होती हैं कि कैसे आपको किसी चीज को कंट्रोल करना है। मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी जो मुसलमान है वो उनको वही पागल बनता, यहाँ पे भी वही सेम ही है, क्योंकि पीछे से तो सॉफ्टवेयर सेम इनके चलता है कि हमें शरिया चाहिए, हमें अपनी सेपरेट कंट्री चाहिए, मार मार के सीधे कर दिए इन्होंने। यहाँ पर आप बिलीव कीजिए, यहाँ पे जो मस्जिदें हैं वो तोड़ दी हैं, जो बाकी की बची उनको पब्लिक टॉयलेट बना दिया उन्होंने, कि दिस इज योर वैल्यू फॉर अस। तो ये चीजें जो है स्ट्रांगली गवर्नमेंट को, मैं नहीं कहता कि इतना एक्सट्रीम करना चाहिए, बट स्ट्रांगली गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा और भी लगता है कि जैसे जैसे अपने आप को लोग एक्सपोज करते जा रहे हैं कि कौन सी बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, सो दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स आल्सो। अभी हिंदू जो है उसने भी ठान ली है कि बहुत हो गया, जैसे मैंने आज सोशल मीडिया पर डाला कि मोदी जी व्हाट इज हैपनिंग, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो पहले अटैक करें, वो हमें तंग करें, एंड देन आवर पीपल विल स्टार्ट रिटेलिएटिंग। वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि पहले दिन हुआ है उसी दिन का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। नहीं, बात आपकी सही है, बल्कि आपसे बात करते मैं अपने फोन में एक स्टेटमेंट ढूंढ रही थी, जो कि आपके यहाँ की ही कश्मीरी एक्टिविस्ट है याना। इनफैक्ट याना बीजेपी को सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी याना की जो ये एक स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी इंडिया से कहा है कि वो आईटी सेल जो है वो गर्ल्स को अब्यूजिंग के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ना किया जाए उनकी तरफ से। तो खैर, उस पर याना की काफी लोगों ने जो है वो क्लास ले ली और क्या क्या बोला, लेकिन आपके ख्याल से क्या सोशल मीडिया पर भी ये चीज जो है वो बढ़ाई गई और मुस्लिम्स के अगेंस्ट, या मुस्लिम्स ने हिंदूज के अगेंस्ट, क्या सोशल मीडिया की वजह से ये सारा फसाद मचा? आरजू जी, आई डोंट थिंक कि जो सोशल मीडिया है उसने शुरू किया है, शुरू एक प्लान्ड वे से किया गया। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट सख्ती से, ये जो एरिया है मेवात का, जो ये क्या नाम है उसको, न्यू एरिया है, ये ट्रेडिशनली ही प्रॉब्लमेटिक रहा है शुरू से। यहाँ पे जो मुसलमान थे उन्हें यहाँ से भगाने के लिए पटेल साहब ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इन्हें पाकिस्तान फेंको। जब आपने रिलीजन के बेस पर अपनी कंट्री मांग ली तो दफा हो ना यहाँ से। लेकिन गांधी जी और नेहरू ने इनको यहीं तक छोड़ दिया, और वो प्रॉब्लम आज तक हमें तंग कर रही है। ये एरिया जो है ये साइबर क्राइम के लिए नंबर 1 एरिया है हमारा, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए
एक मुहिम चलाई हुई है कि इनको जो भी साइबर क्राइम करता है इन्हें पकड़ो और इन्हें सीधा करो। तो ये इनको था कि इनको और मोटी इनकम होती है इनको साइबर क्राइम में, ये ऑनलाइन जो ये काम करते हैं साइबर क्राइम का उसमें बहुत बड़े मोटे लेवल पर ये पैसे कमाते हैं यहाँ पर। तो दैट इज इनका टारगेट था कि साइबर सेल जो यहाँ पर है पुलिस का उसे ठिकाना उसे लोगों को मारा जाए और इस सेल को बंद किया जाए। सो वी अंडरस्टैंड कि ये एक प्लांट वे में किया गया काम सोशल मीडिया के ऊपर, इन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया, लोगों को इकट्ठा किया, पुलिस को मारा, लोगों को तंग किया अपनी पावर दिखाने के लिए। ये आते हैं वैसे झुंड में है, तभी इनका नाम भी जो है ना मियो, इसको बोलते हैं मियो, मियो मुस्लिम्स, यानी बिल्ली होती है ना मियाँ मियाँ करती है, ये भी ऐसे ही है, ये है तो बिल्ली है। लेकिन सर, मगर सर आप सर सब लोग तो एक जैसे नहीं होंगे ना, आप कहने के साथ जब पाकिस्तान बना लिया था तो सब इधर आ जाते, तो सर हर एक तो पाकिस्तान के लिए वोट किया भी नहीं था ना, हर एक तो फेवर में नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जो कि बलूचिस्तान में और केपीके में, पाशा खान वगैरह आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, वो हमेशा से अगेंस्ट रहे इस पार्टीशन के, तो बहुत से मुस्लिम ऐसे भी थे जो इस पार्टीशन के हक में नहीं थे। तो अब ये कहना कि नहीं क्योंकि आप मुस्लिम है इसलिए आप निकल जाए, सर पूरी दुनिया में हर कंट्री में हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन बात सारी ये कि जो इस किस्म के लोग हैं, जो इस किस्म के लोग हैं जो जो ये प्रॉब्लम लाते हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट डर जाती है ना, मैं ये कह रही हूँ। देखिए आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी की सभी गलत है, मैं ये कह रहा हूँ जो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये आज भी अपने आप को पाकिस्तानी बोलती है, इनका सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है एबीसी, कोई ना कोई खान ही होगा तो या मोहम्मद होगा, उसके आगे पाकिस्तानी लिखा हुआ है उन्होंने कि दे क्लेम देमसेल्फ्स टू बी पाकिस्तानी, दे वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। ये आज भी इनकी ख्वाहिश यही है कि हम पाकिस्तान या तो यहाँ बना दें या पाकिस्तान चले जाए, कि यहाँ तो बनना नहीं है वहीं चले जाओ। This is what we are saying also now. वो तो वैसी साहब के भाई थे ना सर, वैसी साहब के भाई ने नहीं कहा था, उनका नाम मुझे नहीं याद, कि जी हम चार यहाँ से चार पाकिस्तान बना देंगे अगर पुलिस हटा दें 15 मिनट के लिए। हाँ 15 मिनट के लिए पुलिस और मिलिट्री को पीछे कर दीजिए, आप देखिए हम यहाँ पर क्या हाल करते हैं। तो हम जो 20 करोड़ है ये 100 करोड़ के ऊपर भारी पड़ेंगे, समथिंग लाइक दिस ही सेड दैट। कोई बात नहीं, इसको पता लग जाएगा। हमने बहुत खालिस्तानी जो थे पूरे दुनिया में फैले हुए, अभी कितना इन्होंने उत्पाद मचाया है आपने देखा पिछले 2-3 महीने पहले, अभी कहाँ है वो। एक बार गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, 2-3 बंदे इनके वो पुनू का रोहित जी का दोस्त वो पता ही नहीं कहाँ चला गया अभी तो। तो जब तक गवर्नमेंट उसको स्ट्रांगली इसको हैंडल नहीं करेगी तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। एंड आई एम श्योर कि इन्होंने ये देख रहे हैं कि ये बिलों से बाहर निकल रहे हैं नाउ, अब इन सबको सीधा किया जाएगा। इट विल टेक टाइम, आई अंडरस्टैंड दैट, ये 1947 की प्रॉब्लम है अब तक हमारे साथ चिपकी हुई है और इनको अब सीधा करना, आई थिंक इट इज नाउ, लोग भी दुखी हुए हैं कि इसको सीधा करना बहुत जरूरी है एंड गवर्नमेंट विल डू इट। ये मोदी जी हैं, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, इन्हें सीधा करना आता है। अगर ये दुनिया में जाके लोगों को सीधा कर सकते हैं यहाँ तो कोई मुश्किल ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली ये देखकर करना चाहिए कि कौन इसमें इन्वॉल्व है और कौन नहीं है, बिकॉज आप सब लोगों को एक जैसा तो नहीं मान सकते कि सभी लोग गलती पे हैं या सभी लोग इन दंगों का हिस्सा हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम्स में जो इसका हिस्सा नहीं है और जो नहीं चाहते कि ये हंगामा हो। लेकिन सर ये जो कुछ हो रहा है, भारत का नाम खराब नहीं हो रहा आपके ख्याल से, गवर्नमेंट का एज अ कंट्री आपका कि जी यहाँ पर ये हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है, बल्कि कई तो टॉपिक्स ऐसे थे जो हमने डिस्कस ही नहीं किया अपने शो में, हमने कहा ठीक है इनका अंदरूनी मामला खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ता गया। आरजू जी देखिए, मैंने आपके शो पे या किसी शो पे पहले भी बात किया था कि जैसे जैसे 24 की इलेक्शंस आ रहे हैं आपको ये चीजें बढ़ती हुई दिखेंगी हिंदुस्तान के अंदर। उसका रीजन है, दो रीजन है, एक चाइना भी चाहता नहीं है कि इनके सामने कोई एक और सुपर पावर खड़ी हो, क्योंकि इनकी सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर भारत के अंदर शिफ्ट हो रही है, ये भी घबराए हुए हैं कि अगर ये सारी शिफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर बनेगा क्या, बिकॉज इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री के लिए कि दे आर नाउ इन ट्रबल, तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी ट्रबल रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से आए, बिकॉज जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी जी हैं पाकिस्तान से बात करने का तो सवाल ही नहीं है। तो बात करना पाकिस्तान के फेवर में है, दे वॉन्ट टू टॉक टू अस। अभी तो आपका शहबाज शरीफ 5 दिन की गवर्नमेंट रह गई है, उसने भी बोल दिया कि हम हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं। ये कम वक्त पहले क्या बात है सर, मोदी जी के टाइम में मोदी जी यहाँ पे बगैर दावत के जो है ना शादी में खाना खाने आए थे, ठीक है, तो आपको याद होगा बगैर दावत के नहीं आए थे, ही वॉज कॉल्ड, ही सेंट अ मैसेज टू नवाज शरीफ कि भाई आपको कंग्रेचुलेशंस आपके घर में शादी है, तो उन्होंने बोला आप आइए प्लीज, ही कॉल्ड देन ही केम, बिना दावत के नहीं आए थे, प्लीज करेक्ट योर वर्ड्स। हमारा प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है
हमारा प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि तुर्की ने मना किया वहां चला गया और उन्होंने जब गले डालने की कोशिश करी वो कहता पीछे हो रहा यार समय आ रही तुम्हारे से, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री हमारा। नहीं सर, खैर वो उनकी नवाज शरीफ साहब से काफी दोस्ती है, बगैर दावत के भी आ सकते हैं, दोनों का आपस में काफी मेलजोल है, और इसीलिए हम लोग को ये लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर आए तो हो सकता है मोदी जी फिर आ जाए। बल्कि बीच में एक बात चली भी थी और सुना था इमरान खान के टाइम में, जब बाजवा साहब यानी कि जनरल बाजवा साहब थे तो उनके टाइम में था कि इस हद तक बात आगे बढ़ चुकी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में बातचीत की, कि लग रहा था कि मोदी जी ने फिर यहाँ पे विजिट करना था, वो भी सब तय हो गया था, फिर बीच में पता नहीं खान साहब को जो है वो क्या हुआ और उन्होंने कोई बीच में जो है ना वो जैसे कहते हैं हंगामा कर दिया, मगर हमारे यहाँ पंजाबी बोलते हैं पांची मार दी। ऐसा ही है बिल्कुल। तो लेकिन सर वो हमारे यहाँ सर वही ना, तो उनको कुछ भी हो जाता है आपको पता है, खान साहब को अचानक से यू टर्न मार लेते हैं, तो इसलिए हुआ। लेकिन सर बगैर बातचीत होने जा रही थी और हो सकता है कि आगे भी हो जाए, लेकिन जो आप हमें कहते रहते हैं ना कि जी बलूचिस्तान में ये हो रहा है तो सिंध में वो हो रहा है, तो इसलिए सर हमने कहा आज हम भी आपको जरा कहेंगे, देखिए देखिए जी आपके यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन सर जिस तरह से वीडियोज आ रही हैं आपके ख्याल से उन जो सोशल मीडिया पे, क्या उन पे कोई रोक लगनी चाहिए? पहले भी आप लोगों ने मणिपुर वगैरह की वीडियोस रुकवाई थी, क्योंकि देखिए बहुत बहुत देखिए ज्यादा वायलेंस है, बहुत ज्यादा वायलेंस है उसमें। क्या होता है, शुरू शुरू में ये जो स्प्रेड हो रहा है इट इज इन फेवर ऑफ पीपल आल्सो। जैसे पहले हमने बात किया कि ये तो चलेगा, ये 24 तक ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। क्यों? टारगेट है 24 के इलेक्शन की किसी भी तरीके से मोदी जी ना आए, तो ये बहुत फंडिंग है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अपने यूट्यूब अकाउंट में बहुत वीडियोस बनाई हैं कि कैसे बाहर की फोर्सेस फंडिंग कर रही है मीडिया हाउसेस के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, कि ऐसी चीजें दिखाई जाए ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ना आए। जब ऐसी हरकतें होंगी कहीं ना कहीं तो मैसेज जाता है बाहर कि भाई यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर कम्युनल रायट्स कभी भी हो सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। तो यही चीज चाइना भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब ये स्प्रेड हो रहा है इससे एक चीज और भी हो रही है, जितना हिंदू है वो सारा इकट्ठा हो रहा है कि हम ये बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। हमने इनको 2002 में सीधा किया था एक बार, इन्होंने तब भी यही कुछ करने की कोशिश करी थी, हमने परमानेंटली सीधा कर दिया। अब गुजरात पे कुछ भी हुआ नहीं उसके बाद, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर हमने अपडेट किया था अच्छी तरह से। अब दोबारा से इनका अपडेट किया जाएगा इस जगह पे भी, जो ये मेवात का एरिया है, चिंता नहीं करो। ये चीजें कई बार क्या होती हैं कि ये एक आपको इकट्ठा भी करती हैं, इनको एक्सपोज भी करती हैं। अब तो मुसलमान जो है यहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बेवकूफो ये काम मत करो, अब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, यू आर गेटिंग आइसोलेटेड इन द होल कंट्री, अब आपके साथ वही काम होगा जो गुजरात में हुआ था। तो ये सो दिस इज हाउ इट इज समटाइम्स इनिशियली इट यस इट माइट लुक कि मैं बहुत रेडिकलाइज बात कर रहा हूँ, लेकिन रेडिकलाइज जब दूसरा आदमी करेगा कब तक सहन करोगे आप? कभी ना कभी तो अटैक करना पड़ेगा ना आपको, कभी ना नॉट अटैक बट जवाब तो देना पड़ेगा, एंड वी नो हाउ टू गिव दैट आंसर बैक टू देम। एंड दिस इज वॉट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग कि अभी क्या होगा, जितना कुछ ये स्प्रेड कर रहे हैं, देखिए जान जानकर ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, वहां पर इंस्टिगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज भी इसको हवा दे रही हैं, जो मीडिया है वो भी हवा दे रहा है कि यहाँ पर रायट शुरू हो, ताकि किसी तरीके से बाकी की कंट्रीज जो है उनकी जो ये जो ना ये कंपनीज ने यहाँ पर आना है वो ना आए। ऊपर से एक टारगेट और भी है, आगे G20 आ रहा है, तो दे वॉन्ट की भी G20 में आने से पहले लोग बोले कि वर्चुअल कर लो, हमने आना ही नहीं यहाँ पर। सो बहुत कुछ है जिसके कारण ही कुछ हो रहा है। वी नो वी अंडरस्टैंड, मेरी भी गवर्नमेंट के लोगों से बात होती है, दे से वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ डेलिबरेट मूव बाय दीस थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी नो हाउ टू टैकल इट ऑल्सो। नहीं बहुत सही बात है, अगर वो उसको टैकल कर सकते हैं या उसको सही कर सकते हैं। लेकिन सर हर चीज के लिए मैं पाकिस्तान में भी कहती हूँ कि जब भी कुछ होता है, चाहे कोई ब्लास्ट हो जाए, चाहे कोई और किस्म का झगड़ा हो हंगामा हो, तो कह दिया जाता है कि जी इंडिया कर रहा है, इंडिया की तरफ से फंडिंग है, इंडिया ये कर रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को भी पहले देखना चाहिए कि अंदर जो कुछ हमारे यहाँ गड़बड़ हो रही है उसको देखें, बार बार किसी दूसरे पे ब्लेम ना करें। सर वही मैं आपसे कहूंगी कि आपके यहाँ जो हो रहा है तो आप बार बार ठीक है आप चाइना को कह सकते हैं, लेकिन सर हमने मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी गड़बड़ में हिंदुस्तान में जिस वक्त चल रही है उसमें कोई हिस्सा लेगा। एक तो ये कि हम खुद बहुत बिजी हैं सर, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। दूसरा ये है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वहां पर फंड करते फिरें, ठीक है। और थर्ड ये कि इस किस्म की चीजों में जो है वो आई डोंट थिंक इस वक्त जब पाकिस्तान को भारत से बात करने की जरूरत है, ट्रेड के लिए हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन यहाँ पे कल से बार बार न्यूज आ रही है
मेडिसिंस नहीं आ रही है पाकिस्तान में, मेडिसिंस का प्रॉब्लम है, तो हमें तो बहुत सी चीज़ों में जो है वो मदद की ज़रूरत है भारत से, तो हम इस किस्म की हरकत क्यों करेंगे जिससे मामला और ख़राब हो जाए। तो सर आपका नहीं लगता कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लीडर्स आपके ऐसे हैं जो उठ उठ के बात करते हैं, वैसी साहब भी हैं, वैसी साहब जैसे और कई दूसरे में, क्योंकि टी वी चैनल्स पर जो बैठते हैं ना मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो तो इसी किस्म की धमकियाँ देते हैं, उनको क्यों नहीं आप लोग पूछते? देखिए, मैंने पहली बात ये है कि आपको मैंने डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं किया ना इनडायरेक्टली किया है कि आप इस पे इन्वॉल्व हैं। मैंने बोला चाइना इन्वॉल्व है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ इसको। मैंने बोला आप नहीं चाहोगे कि मोदी जी की गवर्नमेंट आए तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट रहे, तो एंड सेकेंडली हर कंट्री के दूसरे कंट्री में सेल्स होते हैं, यू ऑल्सो नो वी ऑल्सो नो, उसको इंस्टिगेट भी किया, उनको पाला भी जाता है इसी कामों के लिए। सो एज फार एज दिस टाइम इज कंसर्न, दिस इज वेरी क्रिटिकल टाइम, आई वी अंडरस्टैंड दैट। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये क्रिटिकल टाइम है, सबकी नजर है कि इनको भारत को डिस्टर्ब किया जाए ताकि यहाँ पर तरक्की ना हो, क्योंकि जितनी स्पीड पे हम आगे चल रहे हैं हमारा फोकस एक ही चीज के ऊपर है कि हमें तंग ना करो, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, अपनी कंट्री को आगे लेके जाएंगे, और ये चीज किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। एंड एज फार एज ओवरसी एंड ऑल इज कंसर्न, नोबडी टेक्स देम सीरियसली। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली हर एक स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ने के लिए, मुसलमान की वोट भी उनको मिलती नहीं है, एक्सेप्ट एक हैदराबाद में, वो भी कैसे जीतते हैं सबको मालूम है, वहां पे कैसी दादागिरी के हिसाब पे वो जीतते हैं वहां पर। सो ही हैज नो स्टैंडिंग, यस एक बोलने के लिए ही कम्स, एक मीडिया को भी कोई जोकर चाहिए होता है, तो ही इज अ गुड जोकर फॉर अस, यू नो ही कम्स देयर ही स्पीक्स, वो जहरी को उगलते हैं अपनी, तो वो अपनी औकात दिखाते हैं, इसके ऊपर उनकी कोई वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन सर अब ये जरूर है कि आपके ख्याल से आपकी एजेंसीज कितनी एफिशिएंट हैं, कितना सही काम कर रही हैं, क्योंकि अगर ये तो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें तो टाइम लगता है लोगों को पकड़ने में, उसमें एक छोटा सा मामूली सा केस आपकी एजेंसीज के हाथ में आया था सीमा हैदर का लेकर, इसको बार बार कहा गया कि जी वो डांसर है, बल्कि अभी तो मैंने कल परसों देखा आपका कोई चैनल 24 है, वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जी मैं फिल्मों में भी जा सकती हूँ क्योंकि डांस करना आता है। तो सर अभी तक तो वो खुद तो डांस नहीं कर रही, लेकिन आपकी एजेंसीज को जो है लास्ट 3 मंथ से डांस करवा रही है, एक इतना सा केस आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया है, तो ये इतने बड़े बड़े इश्यूज जो चल रहे हैं कंट्री के अंदर उसका क्या करेंगे? देखिए, आपने खुद ही बोला था मुझे लास्ट टाइम कि आपकी किसी बंदे ने बोला कि पहले ये डांस में काम बार में काम करती थी, तो एक तो बात कंफर्म होगी कि ये डांस रूज बार में कहीं ना कहीं काम करती होगी। एंड तो अब डांस बार में कौन जाता है आपके पाकिस्तान में, आपको मालूम ही है आईएसआई वाले भी जाते हैं, आर्मी वाले भी जाते हैं, तो इससे ये भी कंफर्म होता है कहीं ना कहीं इनके लिंक्स भी हो सकते हैं उनके साथ। सो एज फार एज अवर एजेंसीज आर कंसर्न, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको कि एजेंसीज पूरा इसको डीपली जाके देखने की कोशिश कर रही है कि इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि इसको फ्री पास है कि भी जो मर्जी कर लो, कल को मूवीज में भी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको इसका वही हाल होगा जो इसके साथ करना चाहिए, शी विल गो बैक, शी कैनॉट स्टे इन इंडिया, पॉसिबल ही नहीं है, शी विल गो बैक। द ओनली थिंग इज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस कि तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, और जो आप मीडिया में देखते हो वो तो एक नौटंकी है। देखिए, मीडिया इज ओनली अ शो बिजनेस, भारत का मीडिया अब सीरियसली मत लिया करो, कोई भी सीरियसली लेता नहीं उसको, they just want TRP, they just want some entertainment, लोगों को entertainment अच्छा लगता है, but back of the scene जो काम हो रहे हैं वो आपको अंदाजा भी नहीं है। और सीमा हैदर के आने से एक अच्छा हो गया, हमें पता लग गया कि कश्मीर का रास्ता तो हमने टाइट कर दिया, आप कहाँ से आ रहे हो? बिल्कुल, लेकिन सर खैर मैं यहाँ सीमा हैदर डिस्कस नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ ये बता रही थी कि वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हो सका, मतलब 3 मंथ्स हो गए अभी तक आपको कुछ पता नहीं लग रहा, तो फिर ये जो इतने दंगे हो रहे हैं, इतनी वॉयलेंस हो रही है कंट्री के अंदर और बेशुमार लोग करें कई एरियाज में फैला हुआ है, इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे, इसका कैसे आप लोग निकालेंगे कि कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है? ये मैं कह रही हूँ कि बहुत टाइम नहीं लगेगा और जाने चली जाएंगी और वॉयलेंस होगा और लोगों की जाने जाने का क्या फायदा है, आप लोग फास्ट काम क्यों नहीं करते सर, हमारी एजेंसी से सीखा करें। आपके वहां पर भी 1.5 साल लग गया था इमरान खान की पार्टी के लोगों को सीधा करने में, आप ये मत बोलिए कि बहुत जल्दी कर दिया उन्होंने, दे टुक लॉन्ग टाइम। जब उसने पूरी कंट्री में आग लगा दी, 60 से ज्यादा जलसे कर दिए, आपका नाम पूरी दुनिया में खराब कर दिया, अमेरिका से रिलेशन खराब कर दिए, आप उसका बाल बांका नहीं कर सके, ये वही और ISPR को और ISI चीफ को बार बार आके अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी, नहीं जी हम बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे हम इतने गंदे लोग नहीं है, क्योंकि उनको तो मीर जाफर क्या कुछ उन्होंने टैग भी दे दिए थे। सो डोंट टेल मी कि आपकी जो ISI है वो कितनी जबरदस्त है और आपकी एजेंसी कितनी जबरदस्त है, पहली बात तो ये।
दूसरा एज फार एज आर एजेंसीज आर कंसर्न्ड, उसको डील करते हैं दोबारा साहब, जिसको जेम्स बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है, और उनका परिचय आप लोगों को तो देने की जरूरत नहीं, मुझे आपको भी मालूम है वो कौन है, और उनका नाम सुनते ही लोग लाइटें घर भी बंद कर देते हैं आपके वहां पे पाकिस्तान में. सो ही नोज हाउ टू हैंडल इट, ही इज अ स्ट्रांग मैन. एंड एक बार उन्होंने चक्कर लगाना है, ये सारे जो है ना म्यू करने वाले लोग मुसलमान, ये सारे बिलों में चले जाएंगे वापस. तो ये अब हिंदुस्तान चाहता नहीं है कि बिलों में वापस जाएं, अब ये बाहर निकले हैं, ये बाहर ही रहेंगे, अब ये 70-72 यूरो के पास जाएंगे और इनका कोई इलाज नहीं है. एंड इट विल बी डन, बिलीव मी, ये सारे